नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, BSTC एग्जाम नोटिफिकेशन 2025 को लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। BSTC 2025 के इस बार जो पेपर है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएँ, क्योंकि दोस्तों BSTC का जो पेपर है इस बार जल्दी कंडक्ट कराने को लेकर अपडेट है। पिछला BSTC का एग्जाम भी दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा कराया गया था, इस बार भी कोटा यूनिवर्सिटी ही परीक्षा करवाएगी। और दोस्तों अपनी तैयारी आप अपनी कंटिन्यूस जारी रखें जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया BSTC में या कम नंबर आए थे। और इस बार दोस्तों अपडेट ये भी आ रही है कि इस बार सीटें बढ़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रेजेंट में जो सीटें हैं वो 25,970 सीटें हैं BSTC की, जो बढ़ाकर आपको लगभग 30,000 यानी कि लगभग आपकी 4,000 सीटें इंक्रीज होंगी दोस्तों इस बार। क्योंकि BSTC में सीटें बढ़ने का रीज़न है कि आपके जो नए ज़िले बने हैं वहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे जो सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वो ओपन होंगी। क्योंकि एक जो सरकारी कॉलेज है, डाइट कॉलेज है, वो प्रत्येक ज़िले में अनिवार्य है। अभी जो ज़िले हैं उनके हिसाब से 33 ज़िलों के हिसाब से थी, लेकिन अब 50 ज़िले हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके आंकड़े आप सरकारी कॉलेजों के भी बढ़ेंगे, साथ में आपके प्राइवेट कॉलेज तो एक ज़िले में कितनी भी हो सकती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको मान्यता देती है, तो वो यहाँ पर कॉलेज और बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस बार कॉलेज की सीटें 100% बढ़ेंगी, इस बार आपके पास अच्छा मौका रहेगा BSTC का। दोस्तों अभी देखिए लगभग अक्टूबर का महीना तो आपका निकल चुका है, आपके पास दोस्तों नवंबर का महीना है, इसके बाद दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। ये 4 महीने का ही समय बचा हुआ है, क्योंकि मार्च में इस बार आपके फॉर्म भरे जाएंगे और मई तक परीक्षा कैंडिडेट हो जाएगी। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई आपको मुश्किल से 1 महीने का समय ही दोस्तों तैयारी करने के लिए मिलेगा। 30 मई तक परीक्षा होने की संभावना है। इससे पहले जो पेपर हुआ था आपका BSTC का 2023-24 का, वो थोड़ा जल्दी हो गया, आपका जल्दी हुआ था। पिछले जो एग्ज़ाम हो रहे थे 4 साल से अगस्त सितंबर हो रहा था, लेकिन जून तक परीक्षा हो गई थी और फॉर्म भरने के 20 दिन के अंदर ही परीक्षा कंडक्ट करवा लेगी। तो ये ना सोचा कि जब फॉर्म भरे जाएंगे तभी मैं स्टडी करूँगा, तभी मेरे को समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा तब आपको समय। तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, टारगेट आपको लेके चलना होगा 450+। जी हाँ दोस्तों, अब ये ना सोचें कि आप 380 पर कॉलेज मिल जाएगी, 400 पर कॉलेज मिलेगी, क्योंकि इस बार 400+ वाले काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिली है 410 तक। वो जो अगर बात करें OBC कैटेगरी में, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, 433 तक कॉलेज मिली है, 430 वाले छात्र को भी कॉलेज नहीं मिली है। जनरल में भी यही हाल रहा है दोस्तों। तो कट ऑफ तो आपकी बढ़ी है इस साल, क्योंकि इसमें कट ऑफ में बढ़ने का रीज़न है कंपटीशन हर साल BSTC में बढ़ रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, देखिए BSTC 2024 के, देखिए अगर आप देखोगे फॉर्म भरवाए गए थे 5वें महीने में 2024 के। अगर मैं कंपैरिजन करूँ, 5वें महीने में फॉर्म शुरू हुए थे 11 से 31 तारीख, और 6वें महीने में परीक्षा करा ली गई थी यानी कि जून में। इस बार दोस्तों आपका पेपर आपका मई में ही हो जाएगा, मार्च में फॉर्म शुरू हो जाएंगे और मार्च में ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाती है। तो तभी आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आप 12वीं के जो एडमिट कार्ड है उससे फॉर्म भर सकते हो। और इस प्रकार से दोस्तों BSTC के फॉर्म चलेंगे 1 महीने तक या 20-25 दिन तक फॉर्म चलेंगे। दोस्तों आयु सीमा की इसमें जो गणना की जाती है वो आपकी 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। आपकी 28 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, 28 साल से कितनी भी कम हो कोई दिक्कत नहीं है, 17 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 28 साल से अधिक आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, BSTC के ऑनलाइन फॉर्म की 450 रुपये लगती है। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों BSTC का जो आवेदन प्रक्रिया है वो एक महीने से लेकर आपके 25 से 1 महीने के अंदर आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं BSTC के। देखिए सिलेबस इसका इस बार थोड़ा सा पैटर्न में इस बार अपडेट है कि चेंजेस हो सकता है। अभी देखिए जो पेपर आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, इसमें टोटल जो प्रश्न आते हैं दोस्तों वो आपके इसमें 150 प्रश्न आपसे पूछ जो 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 200 प्रश्न आपके यानी कि 600 नंबर के, 1 प्रश्न 3 नंबर का रहता है, जिसमें 50 नंबर की तो रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 150 नंबर के, 50 क्वेश्चन राजस्थान की GK आती है दोस्तों, जिसमें कल्चर पूरा राजस्थान का GK आ जाता है, इसके 150 नंबर का, और 50 नंबर की साइकोलॉजी या शिक्षण विचार 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, तो 450 तो आपके ये नंबर हो गए। इसके बाद 20 नंबर की अंग्रेज 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के 60 अंक के, और हिंदी संसद किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना होता है। अगर आप संसद से 12th किया वरिष्ठ उपाध्याय तो संसद ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में तो हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी तो कमर रहेगा। तो यानी कि 20 क्वेश्चन तो अंग्रेजी के 60 नंबर और 90 अंक आपके या तो संसद के या फिर अंग्रेजी के, तो इस प्रकार से 150 ये हो गए।
यानी कि 600 नंबर का आपका सिलेबस आता है। टॉपिक वाइज अगर बात की जाए दोस्तों, तो टॉपिक वाइज भी मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए रीजनिंग में क्या क्या आता है, आपसे क्या क्या पूछा जाता है, उसके टॉपिक आप देख सकते हो। इस बार दोस्तों चेंजेस होगा, वो होगा आपका राजस्थान की जीके में, क्योंकि अभी तक आपको जो जीके पूछी जाती थी वो 33 जिलों के हिसाब से आती थी, लेकिन अब 50 जिलों के हिसाब से आएगी। नए जिलों के बनने के बाद आपके राजस्थान ज्योग्राफी में कल्चर में काफ़ी बदलाव हुआ है, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी आर्ट कल्चर है इसको आपको नए सिलेबस के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। बाकी आपका सिलेबस वही रहेगा, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका, और वही तो आपके 200 प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग आती नहीं है इसमें दोस्तों। हाँ ये जरूर है कि सीटें बढ़ जाएंगी, तो हो सकता है मे बी थोड़ी सी कट ऑफ कम हो जाए, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि BSTC में फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा भरे जाते हैं। पिछली बार 6 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे, 6,50,000 के आसपास, तो इस बार भी आप 6 लाख से ऊपर ही फॉर्म मान के चलिए। सीटें हैं आपकी अभी प्रेजेंट में 26,000, बढ़ती हैं तो 30,000 हो जाती हैं, तो भी कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहेगा BSTC में। तो दोस्तों तैयारी आपको अभी से करनी होगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है BSTC की। BSTC के लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया मार्च के महीने में शुरू होगी, मार्च से अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और मई के लास्ट तक पेपर हो जाएगा आपका BSTC का, क्योंकि इस बार सेशन समय पर, बोर्ड चाहता है कि सेशन समय पर चले, इसीलिए बोर्ड इस बार जल्दी एग्जाम लेगा। हालांकि पिछली बार भी जल्दी हुई थी एग्जाम, लेकिन जो इससे पहले 2019 से पहले जो एग्जाम होती थी तो वो आपकी मई में ही होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से सेशन काफ़ी लेट चल रहा था। बीकानेर यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बीकानेर यूनिवर्सिटी लगातार परीक्षा लेट करा रही थी। इसके बाद कोटा यूनिवर्सिटी को 5 साल के लिए टेंडर पास किया गया, तो कोटा यूनिवर्सिटी ही परीक्षा करवाएगी दोस्तों BSTC की। बाकी अगर बात करें इस बार और क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग BSTC में नहीं होती है। एक तो आपकी सीटें बढ़ेंगी, दूसरा आपका पैटर्न चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, सिर्फ राजस्थान GK का पैटर्न चेंज हो जाएगा। और BSTC के ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपके मार्च के महीने भरे जाएंगे, तो अभी आपके पास 4 महीने का समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसके बाद फरवरी में, मार्च में तो बोर्ड के जो आपके फॉर्म है दोस्तों वो शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इस बार 12th का एग्जाम देंगे, साथ में BSTC का पेपर देंगे, तो मार्च अप्रैल में उनके 12th के पेपर लगेंगे, तो इतना समय वो नहीं दे पाएंगे कि वो तब भी 12th के पेपर भी दे सकें और BSTC की तैयारी कर सकें। तो आप पहले ही अगर इन 4 महीनों में सिलेबस को कंटेस्ट कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो 2-3 बार, तो आपके 450 नंबर आराम से आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा पेपर टफ नहीं आता है, पेपर का लेवल मीडियम ही रहता है। अगर थोड़ा सा भी तैयारी है आपकी तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। BSTC नोटिफिकेशन 2025 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, क्योंकि देखिए रिफंड BSTC 2024 वाले छात्रों के रिफंड तो आपके अब डलना शुरू हो गए हैं, डेट बढ़ा दी गई दोस्तों, आपको बता दूँ 25 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी गई है। अगर आपने रिफंड का फॉर्म नहीं भरा तो भरा था, क्योंकि 18,000 छात्रों ने अभी तो फॉर्म नहीं भरा है, तो आपके पैसे अकाउंट में वापस डाले जाएंगे दोस्तों BSTC के, और फिर आगे की प्रक्रिया बोर्ड शुरू करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।